पृथ्वी परमारा तणे पृथ्वी तणो परमार एक आबू गड बैसणो बीजो उजे नी धार अमराणो अमरावती धरा सुरंगी धाट राजे सोडा राय जी यही परमारा पाठ। परशुराम जी ने 21 बार नक्षत्री धरती करके ब्राह्मणों को दान में दे दी। ब्राह्मण वो पृथ्वी को संभाल नहीं सके और बाहर के आक्रमणकारी भारत के ऊपर चढ़ाई करने लगे। जब भी देवों ने मिलके ऋषियों ने मिलके आबू पर्वत ऊपर अग्निकुंड बनाया, उस अग्निकुंड में जव के डाले दाने डाल के चार वीर नर उत्पन्न हुए। उस वीर नरों में से एक परमार शाखा जो है वो परमार शाखा आबू से उज्जैन, उज्जैन से धार, धार से लोयाणागढ़, लोयाणागढ़ से बाड़मेर, बाड़मेर से रतोकोट, अमरकोट गई जो थरपारकर बोला जाता है। उस थरपारकर में गई, उसका मूल पुरुष सोढ़ा जी था। उस सोढ़ा जी के वंश में सोढ़ा जी, सांखला जी और सच्चिया माता हुआ जो हमारा कुलदेवी सच्चिया माता है। और उसी वंश के वो मूल पुरुष सोढ़ा जी, सोढ़ा जी में आगे जाके पीर पिथौरा जी हुए, वाकल माता जी हुए, मालन माता जी हुए और जो रणुजा वाले रामदेव जी हैं उन्होंने भी लगन अमरकोट से सोढ़ा राजपूतों में से किया। जो पाबू जी दांदल राठौड़ हैं उन्होंने भी लगन सोढ़ा राजपूतों से में किया। उस सोढ़ा राजपूतों में भी उप शाखाएँ जिसको हम लोग सरनेम बोलते हैं, ऐसी उप शाखाएँ आज मैं कहने को जा रहा हूँ। मैं नेत सिंह सोढ़ा राजपूत जो हमने हमारे भाटों से जो सुनी है वो हमारे को उप शाखाएँ जितनी याद है वो मैं बोलने को जा रहा हूँ। तो आप सब जिसकी उप शाखा रह गई हो तो ज़रूर मेरा कॉन्टेक्ट करके बताना। उस उप शाखाओं में से जो सोढ़ा जी के दो पुत्र हुए चाचक जी और सिंधल जी, सिंधल जी की शाखा वो सिंधल सोढ़ा राजपूत कहलाते हैं। और चाचक जी में से जो हुए उसमें से 55 उपशाखाएं हैं, 55। वो 55 55 उपशाखाएं जो मैं आज बोलने को जा रहा हूँ वो सब ध्यान से सुनना जरूर। कि पहली उपशाखा आती है हमारे कुल देवता पीर पिथौरा जी की जो भाण सोढ़ा, दूसरा संग्रांसी सोढ़ा, तीसरा राजिया सोढ़ा, चौथा केलन सोढ़ा, पांचवा नांगर सोढ़ा, छठा कित्तल सोढ़ा, सातवां अर्जन सोढ़ा, आठवां मानसिंह सोढ़ा, नौवां आस्त्रण सोढ़ा, दसवां बीभा सोढ़ा, ग्यारहवां दोधा सोढ़ा, बारहवां पत्ता सोढ़ा, तेरहवां भारमल सोढ़ा, चौदहवां वीरमदे सोढ़ा, पंद्रहवां किता सोढ़ा, सोलहवां रत्ता सोढ़ा, सत्रहवां थिरिया सोढ़ा, अठारहवां पायल सोढ़ा, उन्नीसवां गेलरा सोढ़ा, बीसवां गुंगा सोढ़ा, तेरहवां 21वां संग्रांसी सोढ़ा, बाईसवां वैरसिंह सोढ़ा, तेईसवां वरजांग सोढ़ा, चौबीसवां विजा सोढ़ा, 25वां उदा सोढ़ा, 26वां साडूल सोढ़ा, 27वां भुजबल सोढ़ा, 28वां मडा सोढ़ा, 29वां बिच्छू सोढ़ा, 30वां नरसिंह सोढ़ा, 31वां जैसा सोढ़ा, 32वां सूरजमल सोढ़ा, 33वां सुल्तान सोढ़ा जो हमारे राणा हमीर सिंह जी हैं वो सुल्तान सोढ़ा अमरकोट, 34वां भूपत सोढ़ा, 35वां भोजराज सोढ़ा, 36वां विजयराज सोढ़ा, 37वां वाघा सोढ़ा, 38वां दूधा सोढ़ा, 39वां राम सोढ़ा, 40वां गंगदास सोढ़ा, 41वां म्याजल सोढ़ा, 42वां नरा सोढ़ा, 43वां नबा सोढ़ा, 44वां मालदे सोढ़ा, 45वां लुम्भा सोढ़ा, 46वां जागा सोढ़ा,
47 માં તડગામાં સોઢા, 48 માં અખા સોઢા, 39 માં લુણા સોઢા, 49 માં લુણા સોઢા, 50 માં ધારા સોઢા, 51 માં ડેપાળ સોઢા, 52 માં ભોપાળ સોઢા, 53 માં અલણ સોઢા, 54 માં માલણ સોઢા, 55 માં શિવદાસ સોઢા। ये सब नुख हमारे दादाओं के ऊपर से नुखें पड़ी है, जो हमारे में जिधर जिधर हम लोग आपस में मिलते हैं, जब भी पूछते हैं कि आप कौन से सोढ़ा हो, तो वो याद रखना ज़रूरी है। इसमें कोई भी नुख रह गई हो तो हमारा ज़रूर कॉन्टेक्ट करना, और रह गई हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जय पीर पिथौरा दादा, जय सचिया माता।